तो भगवान ने, जो भगवान का हो जाएगा भगवान उसके लिए पहाड़ भी उठा सकते हैं। किसके होने की देर है मेरी मां, किसका होने की देर है, किसका होना है? भगवान के हो जाओ बस। किसके हो जाओ? भगवान ने गोवर्धन उठाया, गिरिराज जी उठाया और भक्तों की खूब रक्षा की। गोवर्धन का मतलब है कि भगवान ने गौ माता का वर्धन किया। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, अरे बैठ के चला लो मोबाइल, मेरी माँ खड़ी खड़ी चलाएगी। ओ भैया बैठ के चलाओ मोबाइल। ओ छोरा पीले बैठो, लाला बैठ जाओ, चलो मैया बैठो, मेरी माँ टाटा बैठ जाओ। सुनो, भगवान गायों की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा क्यों की? उत्तर कौन देगा आप बताओ? भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा क्यों की आप बताइए? आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा क्यों की आप बताओ? कौन बताएगा? किस किस को पता है भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर किस किस को पता है? आपको पता भैया? नहीं पता? अरे राम 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 राम। मैया आपको पता है मेरी माँ? बताओ भगवान ने क्यों गायों की सेवा की? पीछे वाला कोई बताएगा? हाँ भैया बताओ, बैठे बैठे बताओ, भगवान ने क्यों गायों की सेवा की? भगवान ने गायों की सेवा इसलिए की ताकि हम लोग उनसे गायों की सेवा करना सीख सकें और हम भी उनकी तरह गायों की सेवा कर सकें। हम लोग, भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की सेवा नहीं करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे। इसलिए भगवान ने द्वापर में ही गायों की सेवा करके मैसेज दे दिया कि भैया गाय की सेवा करना, गाय की। और आप लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? आपके यहां गाय नहीं है? नहीं, कुत्ता नहीं है तो गाय है? गाय है आपके यहां? अच्छा है, गाय की सेवा करो, गाय को बहुत बढ़िया खवाओ, मस्त। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गाय को खाते हुए देखता हूं। मैं रोज गौशाला जाता हूं, पास में ही गौरी गोपाल गौशाला नई वाली दर्शन किया। मैं रोज दोनों टाइम गौशाला जाता हूं समय निकाल कर, और बहुत सुकून मिलता है जब गाय खाती है, गाय को खाता हुआ देखता हूं। गाय जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसे दूध पिलाते हुए देखता हूं, वो अपने बच्चे को चाटती है, उसे गाय अपने बच्चे को चाटते हुए देखता हूं। गायों को देखो, केवल देखने का सुख है, आनंद। फेरो, हाथ फेरो।